तो देखो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का क्लास है, ठीक है? इकोनॉमिक्स का क्लास है और डिस्कशन करना है हमें आज थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। जिनके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट है क्या, किस तरह से काम करता है, सारा का सारा चीज़ धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो एक दो चार बात मैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड बता दूं। भाई इकोनॉमिक्स एक वेलफेयर साइंस है, ह्यूमन वेलफेयर में काम करता है, ह्यूमन वेलफेयर में काम करता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक सोशल साइंस भी है, इसलिए सोशल साइंस ये हर जगह में इसको पढ़ा जाता है। मतलब चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, मतलब ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप चार्टर्ड कर रहे हो, कॉस्टिंग कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हो, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम में भी हो तो भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। तो क्यों इतना हर जगह में इकोनॉमिक्स क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, चाहे कंट्री हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, पाड़ा हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन हो, या फिर टाउन हो, सिटी हो, जहां भी आप रहते हो, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब आपका डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट इन द सेंस आपका लिविंग स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट। आप जितना हाई लिविंग कर सकोगे वही तो आपका मकसद है ना। इसीलिए तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत किसी को अगर अच्छा नॉलेज होता है और उसको अगर फॉरेन में जाने का मौका मिलता है, लाइक यूएस जैसे कंट्रीज में या दुबई जैसे कंट्रीज में जाने का मौका मिलता है, तो वो क्यों चपक के चले जाते हैं? एक तो अच्छा नौकरी है, सैलरी हाई मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादा हाई है किस कंट्रीज में कंपेयर टू इंडिया, तो वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, तो सेल्फी खींचने में मजा आता होगा। जो भी हो, आप बात समझने का कोशिश करना कि लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, और उसी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को एक चीज देखना है कि कहीं ना कहीं ऐसा करके इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करना है कंट्री को, ताकि कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए और उसको बढ़ाने के चक्कर में हम अपना इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली यूज करें, ठीक है? तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो इकोनॉमिक जो सोशल वेलफेयर बता रहा हूँ मैं, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन वेलफेयर भी है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर इंसान का अच्छा किसी चीज में नहीं होता है ना, तो वो ऐसे तो हर एक सब्जेक्ट ह्यूमन बींग के अच्छे के लिए बना जाता है। तो जब तक ह्यूमन बींग का किसी चीज में डेवलपमेंट ना हो, चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे नॉन टेक्नोलॉजिकली हो, बट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग को समझना है, ठीक है ना? तो आगे चलो देखते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट जैसे कि डिमांड होता है, सप्लाई होता है, प्रोडक्शन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही पैरामीटर में कॉस्ट है। कुछ लोग हैं जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन कर चुके हो, डिमांड कर चुके हो, सप्लाई कर चुके हो, जिनका फर्स्ट क्लास है कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। बस आप लोग ध्यान से समझना, फिर लास्ट में दिमाग में जो भी आएगा क्वेरी करना। तो चलो मैं सबसे पहले आज ना एक केस स्टडीज भी करना है। केस स्टडीज क्या है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में? सर आप लोग बुलेट ट्रेन के बारे में सुने हो ना? बुलेट ट्रेन के बारे में सुने हो? प्लीज बताना। यस सर। इंडिया में बुलेट ट्रेन बनने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में आइडिया है? यस सर, थोड़ा बहुत। कहां कहां से कहां तक जा रहा है? इंडिया का जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये कहां से कहां तक का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है? अभिजीत कुछ बोलना चाहते हो? अभिजीत कुछ बोलना चाहते हो? ओके, तो इंडिया का जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आ रहा है वो बन रहा है आपका मुंबई से लेके अहमदाबाद तक, ठीक है? मुंबई टू मतलब बेसिकली महाराष्ट्र में एंड गुजरात के अंदर बन रहा है। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो ये अचानक से मैं बुलेट ट्रेन लेके क्यों आ गया जानते हो? क्योंकि बात करने वाले हैं कॉस्टिंग का, थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है? थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। तो क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स है तो इसलिए मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉस्ट है तो एक बुलेट ट्रेन को बनाने में उसका कितना कॉस्ट लग जाता है और बुलेट ट्रेन इकोनॉमिकली कितना वायबल है, ठीक है? जो आप अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सको, ठीक है? तो प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन का और फिर हम लोग किताबी बात जो है, जो आसपास सिलेबस है, उसके साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट को, क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है?
क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। तो टॉपिक क्या है? बुलेट ट्रेन के ऊपर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई इज रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ, आज का टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे है, ठीक है? तो प्लीज समझने का कोशिश करना। मुझे बेसिकली मैं आपको कुछ ऐसा एक पैटर्न बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस के साथ रहिएगा, बिकॉज एट द एंड में आपको सच में कुछ समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ा, चाहे आपके सिलेबस वाइज में हो, तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आप सच में इकोनॉमिकली एक अंदर में आप महसूस कर सकते हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सच में ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपको अंदर से कुछ तो सिखाएगा, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकली आप यूज कर सकोगे, तभी जाके आप लोग प्रोफेशनल बन पाओगे, चार्टर्ड बनो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, बट सीरियसली बहुत प्रैक्टिकली बनो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो दैट्स वाई ये इस तरह का प्रोजेक्ट नॉर्मली सीमा लंडन जैसे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, जो कॉस्टिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडिया में कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट है सर, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम लोग प्यार से सीएमए कहते हैं, तो ऐसे ही वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉस्ट इंस्टीट्यूट है सीमा लंडन, में आपको जरूर बताऊंगा। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम के बारे में सीमा लंडन इंस्टीट्यूट बात करता है, तो मैं कुछ वैसा ही एक कॉस्टिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है जनरल इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो ये सब सारा का सारा मैटर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब चीजों के बारे में मैं धीरे धीरे बात करूंगा, बट उससे पहले एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ मैं आपको कनेक्ट कराना चाहता हूँ। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ये बुलेट ट्रेन क्या है, बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये कुछ पॉइंट्स है बुलेट ट्रेन में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है, मुंबई से लेके अहमदाबाद का, ठीक है, मुंबई टू अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, मुंबई टू अहमदाबाद, तो पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट ये है कि भाई ये बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है, ये ट्रैक को बनाने में कितना खर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट कि जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, उस एरिया में बुलेट ट्रेन का टिकटिंग कॉस्ट क्या होगा, क्या इंडिया इतना रिच कंट्री है, आप लोग मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्या इंडिया उतना रिच कंट्री है कि जहां पर लोग बुलेट ट्रेन चढ़ने का पैसा दे सकता है? हाँ, इंडिया में एरोप्लेन इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते सर, एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, इंडिया का एयरलाइन इंडस्ट्री इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है और एयरलाइंस वगैरह ना काफी कॉस्टली होता है, ये जो सस्ता देते देते मैं आपको एग्जाम्पल में बता सकता हूँ, क्या आप लोगों ने मुझे बताना, ये कुछ कंपनीज के बारे में आप लोग जरूर नाम सुने होंगे, एयरलाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ दो मिनट के लिए, क्योंकि एयरलाइंस के बाद अगर सबसे कॉस्टली कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है तो दैट इज बुलेट ट्रेन सिस्टम, ठीक है, ऑब्वियसली एयरलाइंस से सस्ता है बट फिर भी काफी एक्सपेंसिव है। तो एयरलाइंस में अगर मैं कुछ कंपनी का नाम लूँ, तो जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, नाम तो सुने होंगे आप लोग, विजय माल्या का, जिसके जिसने बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में जिसका स्टेक है सर, अरे उले लाला ले वो सुने तो होंगे ना, यस सर, यस, तो ये किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुका है, विजय माल्या का ये कंपनी बंद हो चुका है, जेट एयरवेज बोल के एक बहुत ही फेमस कंपनी था, इनका भी ऑपरेशन करेंटली बंद है, ठीक है, जेट एयरवेज करेंटली ऑफ है। इंडिया का जो सरकारी है, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, एयर इंडिया, सुने हो ना एयर इंडिया के बारे में, इंडिया का ऑनली गवर्नमेंट ओरिएंटेड एयरलाइंस कंपनी है एयर इंडिया, 52,000 करोड़ का लॉस में चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताना जा रहा हूं, 52,000 करोड़ इंडिया चल रहा है, भयंकर हालत है, सरकारी है, सब्सिडी करके हमारा टैक्स के पैसे से इसको बचा बचा के चलाया जा रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस कंप्लीटली ऑफ हो चुका है, जेट एयरवेज का ऑपरेशन बंद है, बात चल रहा है कि फिर से मे बी ऑपरेशन चालू कर सकता है। तो मैं इतना कह रहा हूं कि इंडिया जैसा कंट्री में एयरलाइंस इंडस्ट्री को ऑपरेट करना, इसके ऊपर मेरा जो लोग शेयर मार्केट पढ़ते हो वो लोग शेयर मार्केट क्लास में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक स्टडी किया था, जो लोग करते हो उनको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, आप लोग नहीं है बट मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि एयरलाइंस के ऊपर भी एक केस स्टडीज हुआ था, एयरलाइंस में जो शेयर्स वगैरह होता है, ठीक है, वो सब में नहीं जाना है आपको, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये बुलेट ट्रेन आ रहा है, ठीक है, तो ये जो बुलेट ट्रेन कंपनी आएगा, ये बुलेट ट्रेन मुंबई से लेके अहमदाबाद तक बनेगा, तो सबसे पहला पॉइंट कि इसका ट्रैकिंग का कॉस्ट कितना होगा, इसका मतलब जो लाइन बिछाया जाएगा इसका कॉस्ट कितना, आप बात समझ रहे हो इकोनॉमिकली। दूसरा पॉइंट, इसमें जो आप चढ़ोगे ना, ये जो ट्रेन के अंदर आप अंदर में जाओगे, इसका टिकटिंग कॉस्ट, हेलो,
इसका टिकट कॉस्ट क्या होगा। जैसे कि एक बात चल रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो बुलेट ट्रेन का टिकट फेयर क्या हो सकता है, मतलब प्रोबेबल, अभी भी तो बना नहीं है, बुलेट ट्रेन टिकट फेयर क्या प्रोबेबल रेट चल रहा है, चलो देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक डेटा था, मैं दिख रहा था, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मिला तो मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक 250 से लेके 3000 तक का कुछ एक ऐसा कुछ चल रहा था, 250 मिनिमम प्राइस हो सकता है, ठीक है, 250 मिनिमम, मैक्सिमम कुछ आई थिंक, देखो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन फेयर टू बी अराउंड, काफी पुराना खबर है, 12 सितंबर का खबर है, टू बी अराउंड 3000, करीब 250, 508 किलोमीटर का स्ट्रेच बन रहा है, तो टिकटिंग फेयर बनने के लिए जा रहा है 250 से लेके 3000 तक का, ठीक है। तो सर इतना सारा बातें क्यों कर रहे हो आप, हमें थोड़ी ना बुलेट ट्रेन बनाना है। सर चलो अभी मैं आपको पढ़ाई में लेके चलता हूँ कि ये जो टिकट का दाम क्या होगा, क्या इस पर्टिकुलर ट्रैक में ट्रेन बनाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आप मेरा बात समझ रहे हो, प्लीज बताना कि ये जो मुंबई से लेके आपका एरिया है अहमदाबाद का, देखो ये रहा हमारा क्या, दिस इज आवर मुंबई, ठीक है, सोना है या है बिजुरिया, दिल की नगरिया, मुंबई नगरिया, देख रहे हो ना, दिस इज आवर मुंबई नगरिया, और यहाँ से हमें जाना कहाँ है, यहाँ से हमें जाना है अहमदाबाद, कितना किलोमीटर देख रहे हो ना, हेलो, करीब 550 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का बुलेट ट्रेन का ट्रैक बन रहा है। इसका मेरा कहने का मतलब इतना देर से ही है कि ये जो ट्रैक बन रहा है इसमें 550 के आसपास किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनेगा। ये एरिया इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये इंडिया का सबसे रिच लोगों का एरिया है, मतलब यहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफी बेहतर है। ये हम लोग कह सकते हैं बंगाल में बैठ के कि सर यहाँ से यहाँ तक भी तो बना सकता था, कोलकाता से सिलीगुड़ी भी तो बना सकता था, क्यों नहीं बनाया, उतना इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, ठीक है। ये सबसे इकोनॉमिकली डेवलप है इसीलिए क्योंकि मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, अहमदाबाद इंडिया का, गुजरात का मैनचेस्टर कहा जाता है, और ये पूरा बेल्ट ना इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो काफी रिच एरिया है। तो मे बी ये 250 से लेके 3000 तक का जो फेयर है मिनिमम, 250 ओनली 5 किलोमीटर का फेयर है, आप समझ सकते हो ना, 5 किलोमीटर का फेयर बनेगा 250, 5 किलोमीटर का आसपास 250 का फेयर होगा टिकट का दाम। तो ये जो कॉस्टिंग किया जा रहा है ताकि एक प्रोजेक्ट आए, एक बुलेट ट्रेन बनाया जाए, ठीक है, यही सब चीज आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में समझना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्शन बुलेट ट्रेन बनेगा, बुलेट ट्रेन का टिकट क्या होगा, सारा का सारा टॉपिक का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में समझ में आएगा। सर मुझे बस इतना बता दो कनेक्शन हुआ कि नहीं, अब जाके मैं किताबी बात करूंगा। जस्ट टेल मी कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या कनेक्टेड हुआ आप लोगों को? Yes, sir. बस सर वही चाहिए था, बस कनेक्शन बन जाए आप लोगों का। क्या है ना कि जब तक कनेक्शन नहीं बनता है तो बात पढ़ाई करके ना मजा नहीं है। जब तक आप कोई भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं समझ सकोगे ना तो कोई मजा नहीं है, सिर्फ किताब से कुछ पॉइंट उठा के आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या कहता है, कॉस्ट एनालिसिस क्या कहता है, अब एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अब फिर से बुलेट ट्रेन में भी जाएंगे लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल गया। कॉस्ट एनालिसिस, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कॉस्ट एनालिसिस का। व्हाट इज दिस कॉस्ट एनालिसिस? जैसे कि इकोनॉमिक्स में जो मेन पैटर्न है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिमांड का पॉइंट है ना, तो ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन का डिमांड था, दैट्स व्हाई बुलेट ट्रेन आ रहा है। अब डिमांड है तो सप्लाई भी तो करना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन जैसा ट्रेन जैसे चाइना में चलता है, जापान में चलता है, बुलेट ट्रेन बहुत फेमस है जापान में, तो डिमांड है, सप्लाई हुआ, अब प्रोडक्शन भी होगा है ना, तो बुलेट ट्रेन प्रोड्यूस भी किया जा रहा है जापान के साथ टाई अप करके, अब उसका कॉस्ट क्या होगा? तो मैं यहाँ पर डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन को स्कीप करके डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया, क्योंकि ये सबसे वायबल पॉइंट है, आप बात समझ रहे हो ना, सबसे इंटरेस्टिंग एरिया। जब तक आप कॉस्ट उठा नहीं पाओगे ना तो आप बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इन सिंपल टर्म्स ही है बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको बिल्डअप करके रखना है ना तो आपको कॉस्ट पे ध्यान देना है। आपको एक कंपनी के बारे में बताऊं, एक सिंपल, चलो बुलेट ट्रेन तो बहुत हाईफाई हो गया, आपको मैं अगर सिंपल एक मैगी पैकेट के बारे में बताऊं, ये मैगी कौन सा कंपनी बनाते हैं सर? नेस्ले बनाते हैं। मैगी का पूरा वर्ल्ड बेसिस में
60 मतलब इंडिया का ही बात करता हूं मैं, इंडिया में जो नूडल्स मार्केट है, इंडिया का जो नूडल्स मार्केट है, इसमें मैगी का 67% स्टेक है, 67% अप्रॉक्स, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अप्रॉक्स 67% का स्टेक है, मतलब टोटल मार्केट में जितना नूडल्स मिलता है, चाहे यप्पी ले लो, नॉर ले लो, बट मैगी बिकता है 67%। अब पॉइंट ये है कि मैगी का एक पैकेट का दाम 11 रुपया क्यों है, एक्चुअली ये अमेजन थोड़ा सस्ता कर रहा है, स्टैंडर्ड पैकेजिंग है 12 रुपया, स्टैंडर्ड पैकेजिंग है 6 रुपीज, ठीक है, 6 रुपीज, 12 रुपीज, फिर आपका हो जाता है 60 का है, 80 का है, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू, मतलब अलग अलग एरिया में, तो पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये कि मैगी ये पैकेट का दाम 12 से जगह 15 भी तो रख सकता था, व्हाई दे ट्रीटेड मतलब व्हाई दिस चूज दी 12 रुपीज, व्हाई 15 क्यों किया, 15 भी कर सकता था, बट यहीं पर सवाल है कि भाई आपको अपना कॉस्टिंग ऐसा चूज करना पड़ेगा ना। देखो भाई, क्वालिटी तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बट क्वालिटी को साइड में 2 मिनट के लिए रखे तो कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है आपके बिजनेस के लिए। नेस्ले एक बहुत बड़ा बिजनेस है, नेस्ले एक स्विट्जरलैंड बेस्ड बिजनेस है जो मैगी को इंडिया या बाकी जैसा और भी कंट्रीज में बेचते हैं, लेकिन इनका कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वी चूज 12 रुपीज, पहले 10 रुपीज था, आज से 4-5 साल पहले मैगी का एक पैकेट का दाम 10 रुपया था, वहां से 2 रुपया बढ़ा है ओनली 2 रुपीज में, तो ये जो कॉस्टिंग कर रहा है 10 से 12 रुपया, तो प्राइस कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, और प्रोडक्ट प्राइस ही डिपेंड कराता है कि भाई अल्टीमेटली आपका सेल कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सिंपल दुकान में जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले दाम तो पूछते हो ना, हेलो, दाम पूछते हो कि नहीं पूछते, है ना, तो दाम क्यों पूछते हैं, बिकॉज हम लोगों के लिए कोई भी चीज डिमांड करने से पहले उसका दाम जान लेना बहुत वाइटल होता है। तो क्योंकि दाम जानना बहुत वाइटल है, बुलेट ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट का कॉस्ट तो जरूर पूछोगे ना कि भाई कितने का टिकट आता है, सिंपल कुछ सिंपल एकदम कॉमन सेंस में आप समझ सकते हो। तो बस कॉमन सेंस में इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी समझना है, ठीक है, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल इसलिए थोड़ा पहले बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके मैं कनेक्ट हर पॉइंट में मैं आपको कनेक्ट नहीं करूंगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए मैं इतना सारा पॉइंट में तब से डील कर रहा हूँ ताकि आप अंदर से समझ जाओ कि आपको क्या करना है, क्यों करना चाहते हो आप। ओके, ठीक है सर, चलो कॉस्ट एनालिसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड बहुत वाइटल वाइटल पॉइंट है, चलो मैं उस पर आपके साथ बात कर, ठीक है, यस सर, चलो सर आपकी मर्जी। कॉस्ट एनालिसिस रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, नेमली साइज ऑफ आउटपुट। जैसे साइज ऑफ आउटपुट में हम बता सकते हैं ना कि भाई बुलेट ट्रेन चाहिए, बट कितना बुलेट ट्रेन चाहिए। देखो, एक तो इंडिया के पास बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी है क्या, इंडिया के पास बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी है, प्लीज बताना, नो, इंडिया के पास बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी नहीं है। तो करेंटली इंडिया को कौन हेल्प कर रहा है, जापान, जापान, करेंटली इंडिया को हेल्प कर रहा है जापान, द लैंड ऑफ जापान पे, जापान ऑलवेज इंडिया को बहुत प्यार करता है, जानते हो क्यों, जानते हो व्हाई, व्हाई जापान लव सो मच टू इंडिया, कोई बता सकते हो जापान के साथ इंडिया का रिश्ता क्या है, बिकॉज ऑफ बुद्धा, थैंक यू सर, नेताजी इज द लैटर रीजन, बट मेन रीजन इज बुद्धा, गौतम बुद्धा, ठीक है, नेताजी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन, मतलब नेताजी भी बहुत ज्यादा कनेक्शन बढ़ाया था जापान के साथ, स्पेशली इंडिया को ब्रिटिश से आजाद करने में, मतलब ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस टाइम पे जापान बहुत हेल्प किया था इंडिया को, क्योंकि ये जापान का एक ही कहना था कि भाई इंडिया ब्रिटिश का चमचादारी क्यों करता है, क्यों उसके अंडर में रहना इतना पसंद करता है, क्या मिलता है इंडिया को, जापान हमेशा ये सवाल करता था, जानते हो जापान हमेशा ये सवाल इंडिया को करता था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप छोड़ो ना इसको, ठीक है, ये हमेशा कहता था, मतलब जापान तो, और यही जापान का एक मतलब गुस्सा भी था इंडिया के पीछे कि भाई अब इतना ज्यादा ब्रिटिश को ना बढ़ावा मत दो। तो जो भी हो, तो जापान के साथ इंडिया का कनेक्शन बहुत पुराना है, और सबसे मेन कनेक्शन है बुद्धा, क्योंकि मैंने ये गौतम बुद्धा का रिलीजियस मतलब जो कॉन्सेप्ट है जो जापान अपने मतलब लगा के और बहुत डेवलप किया है, तो ये कंट्री बुलेट ट्रेन में भी टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप है,
जिसको आता है भाई क्या है टेक्नोलॉजी. काफी छोटा कंट्री है, आइलैंड जैसा है, नॉट अ वेरी बिग नेशन, बट फिर भी ये इंडिया को टेक्नोलॉजिकली हेल्प कर रहा है. आप समझ पा रहे हो, करीब 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से जापान का, करीब करीब 6000 किलोमीटर अगर हम बस एरियल डिस्टेंस देखें तो 6000 किलोमीटर दूर से आके जापानीज लोग हम इंडिया को हेल्प कर रहा है कि भाई बुलेट ट्रेन बनाओ, अभी बस मुंबई से अहमदाबाद बनाओ, फिर बाद में धीरे धीरे और बढ़ाना. ओके सर, आपको समझ में आ रहा है. तो बेसिकली साइज ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब क्या स्केल बनाना चाहते हो, फिर तो कितना बड़ा करना चाहते हो. तो करंट स्केल ऑफ ऑपरेशन इंडिया का सिर्फ एक छोटा सा टीनी एरिया लेके इंडिया बुलेट ट्रेन का ऑपरेशन, दैट इज ओनली फ्रॉम दिस मुंबई एरिया से लेके, ऑनली मुंबई से लेके गुजरात, आप समझ रहे हो ना, मुंबई से लेके गुजरात ये जो एरिया है बस अभी करंट यही फोकस एरिया है. आगे आगे और फोकस बढ़ेगा. तो दिस इज द स्केल ऑफ ऑपरेशंस का पॉइंट. कोई भी चीज बनाने से पहले, अच्छा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा एक फिर से एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एनीवन प्लीज. थैंक यू. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज दुनिया में बना लो, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू बिल्ड इन योर लाइफ, मतलब कुछ भी बना लो, बट चार चीज के बिना नहीं बन सकता, ठीक है. जिसको हम लोग प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. बिना जमीन का दुनिया में कुछ नहीं बन सकता, बिना लेबर का मतलब जब तक आप किसी भी चीज पे अपना मेहनत नहीं दोगे, अपना लेबर नहीं दोगे, प्रोडक्ट नहीं बन सकता. कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस जब तक आप बिजनेस पे पूंजी नहीं लगाओगे बिजनेस नहीं बन सकता. एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो बहुत कीमती है, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर बहुत कम है. 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है हमारा, सब कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, आप समझ रहे हो ना, दुनिया भर का इंडियंस सिर्फ हमें जॉब दे दो, किसी को ना कोई न्यू चीज बिल्डअप ही नहीं करना है. दुनिया भर का मतलब पूरा इंडिया में देख रहे हो आप, इतना बड़ा साइज है अपना कंट्री का, सबको जॉब चाहिए. आई डोंट नो क्या करेगा, कहाँ से आएगा इतना जॉब. सरकार के पास तो इतना क्षमता नहीं है और सरकारी कंपनीज धीरे धीरे बंद हो रहा है. आपको मैंने एयर इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया, 52,000 करोड़ लॉस में चल रहा है. आपको लगता है एयर इंडिया कभी जॉब क्रिएट कर पाएगा? इंडियन रेल भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकर जो बन जाते हैं ना एक बार, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर तक अपना मेहनत करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करता. उसके बाद अगर मेहनत करता, अगर एक एक कंपनी को अपने जैसा मान के चलाता, तो शायद सर आज इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भी बनता. बट सिर्फ सरकार को दोष देके फायदा नहीं है, पब्लिक बहुत भयंकर है हमारा. जो भी हो, आप समझ रहे हो ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, आप समझ रहे हो ना कि भाई एंटरप्रेन्योर एक एबिलिटी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी होता है जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं. तो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है, जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप उठाया कि भी इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाना है, और बुलेट ट्रेन चला के इंडिया को वो स्पीड देना है जो दुनिया का डेवलप नेशंस लेते हैं. एग्जैक्टली ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है. तो करेंटली गवर्नमेंट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, भगवान जाने कब होगा. एक तो पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, गवर्नमेंट का काफी पैसा चला जा रहा है सर, लोगों को बैठे बैठे खिला रहा है, अभी फ्री में चावल गेहूं बांट रहा है, आप समझ रहे हो ना, इट्स वेरी कॉस्टली फॉर द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत खराब हालत है. जीडीपी नेगेटिव में, 24% नेगेटिव में चल रहा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ये सारा का सारा पॉइंट इकोनॉमिक्स में मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा सर, रेगुलर अपडेशन कुछ ना कुछ जरूर मिलता जाएगा. चलो सर, तो फिर से इट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन. अल्टीमेटली कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है कि कोई भी चीज बनाओ तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, मतलब कितना खर्चे से बना रहे हो. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ अलग अलग पॉइंट से भी देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से पढ़िए. अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट ओनली व्हिच इन्वॉल्व कैश पेमेंट्स, व्हिच इन्वॉल्व कैश पेमेंट्स बाय द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द फर्म. मतलब फर्म जो भी पेमेंट कैश में करते हैं उसको अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं. अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस. मतलब हम अपने बिजनेस में जो भी खर्चा करते हैं उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो खर्चा हम बाहर वाले को पे करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है. व्हाट इज दिस एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, प्लीज ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऐसे तो देखो दो पॉइंट ही आपको समझ में आ रहा है, एक्स एंड इन, ठीक है. इम्प्लिसिट मतलब क्या बोल रहा है, cost of factors owned by entrepreneur himself and employed in his own business.
That is implicit cost. Implicit cost also called non-accounting cost. जैसे कि rent of cell phone building. Suppose मानो कि आपका पापा का अपना घर है business करने के लिए. जैसे होता है ना road side में किसी किसी का घर होता है. तो road side घर में अगर आप भाड़ा मतलब अगर आपका घर है तो फिर आपको rent लेने का ज़रूरत है क्या? Please tell me. If you have a building, do you need to take any rent for your business? Hello. No. अगर आपका खुद का बिल्डिंग है और वो भी प्राइम लोकेशंस पे है तो आपको रेंट लेने का जरूरत नहीं है. तो डोंट यू थिंक कि रेंट में बिजनेस का कॉस्ट बढ़ जाता है? मैं आपको बताता हूँ, कोलकाता में एक प्राइम लोकेशंस पे कोलकाता या मुंबई कुछ भी एरिया ले लो आप, जैसे करेंटली इंडिया का सबसे कॉस्टली बिजनेस एरिया क्या है, कोई बता सकते हो? एनीबडी? सबसे कॉस्टली रेंट कहाँ मिलता है इंडिया में और वो भी ग्लोबल में टॉप 50 में आता है? सॉरी सर, गलत जगह में पहुंच गए. ये दिल्ली वाला सर, मुंबई नहीं, दिल्ली में है ना कनॉट प्लेस. दिल्ली में है ये, कहाँ से पुणे वाला कनॉट में चला गया. मैं दिल्ली वाला कनॉट प्लेस में ही जाना चाह रहा था. Cannot place Delhi. एक बार मैं आपको दिखा भी दूं. मिल गया. ये कॉनॉट प्लेस जो दिल्ली में है ना, ये देखो बिल्डिंग भी शायद आपको दिख रहा होगा. ये देखो, दिस इज द बिल्डिंग. ठीक है, ये करेंटली इंडिया का सबसे कॉस्टली रेंटेड बिल्डिंग है. देख पा रहे हो सर आप लोग, इंडिया का सबसे कॉस्टली रेंटेड एरिया है ये. जंतर मंतर है, इसको छोड़ो. ठीक है, दिस इज कॉनॉट प्लेस. ठीक है, अब ये कॉनॉट प्लेस जो एरिया है ना, यहाँ पर बिजनेस सबसे कॉस्टली है इंडिया में. कोलकाता में है पार्क स्ट्रीट एरिया. ठीक है, कोलकाता में पार्क स्ट्रीट एरिया भी नंबर वन हुआ करता था. 2014 का एक डेटा आया था, उसमें पार्क स्ट्रीट सबसे कॉस्टली हुआ था. लेकिन ये कॉनॉट प्लेस ऑन एन एवरेज सबसे बेस्ट है. मुंबई में कांटा रोड बोल के एक एरिया है. ठीक है, कांटा रोड जो बांद्रा के आसपास एरिया से मेरिन ड्राइव के थ्रू से होके जाना पड़ता है, वो एरिया काफी कॉस्टली है. तो मुंबई ऑन एन एवरेज काफी कॉस्टली है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे रेंटेड में कॉस्टली बिजनेस एरिया ये है. मतलब अगर आपको इस एरिया में एक दुकान भाड़ा लेना है ना, तो बहुत कॉस्टली आ जाएगा, बहुत कॉस्टली. आप समझ पा रहे हो ना, इट्स अ वेरी कॉस्टली एरिया. तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपका खुद का बिल्डिंग है तो फिर आपको रेंट लेने का जरूरत नहीं है, आपका काफी पैसा बच सकता है. आप समझ रहे हो ना सब? तो एग्जैक्टली, तो जो खर्चा आपका बच रहा है उसको आप इम्प्लिसिट कॉस्ट मानोगे. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. क्या पॉइंट है बोले तो, कि अगर मानो कि आपका रेंटिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है, बट सिमिलर चीज कोई और एक बिजनेस है जो प्रोडक्शन कर रहा है. सपोज हम लोग बुलेट ट्रेन में बात कर रहे हैं. ठीक है, दो मिनट के लिए हम लोग बुलेट ट्रेन से अगर हटे. ठीक है, जस्ट दो मिनट के लिए बुलेट ट्रेन से हटते हैं. सपोज एक ही मतलब दोनों बिजनेस है, दोनों मानो क्या चीज बनाएगा, कोई भी चीज बनाओ ना. चलो नूडल्स ही बना लेते हैं, बट मैगी नहीं, कुछ और. आपका भी नूडल्स का बिजनेस है, आपका दोस्त का भी नूडल्स का बिजनेस है. सपोज ए है जो जिसका खुद का बिल्डिंग है, और बी है जिसको रेंट लेना पड़ता है, रेंट लेके नूडल्स मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जिसको रेंट लेके नूडल्स मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है, कॉस्ट किसका ज्यादा आएगा, नूडल्स का, ए का या बी का? ए का खुद का है, मतलब ओन बिल्डिंग है, ओन मतलब अपना ही दुकान है. लेकिन बी को रेंट लेना पड़ता है, रेंटेड है इसका, 30,000-40,000 का रेंट से वो बिल्डिंग भाड़े पे लेके कर रहा है. तो ऑब्वियसली बी का नूडल्स का कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा. मतलब बी जो भी नूडल्स मैन्युफैक्चर करेगा ना, वो कॉस्टली होगा, वो कॉस्टली होगा. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ए जिसका अपना बिल्डिंग है, क्या उसको ये कैलकुलेशन करने के टाइम पे नहीं करना चाहिए? मतलब जब वो कैलकुलेशन करेगा भाई कितना कॉस्ट आ रहा है, तो उसको मार्केट रेंट पकड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं. ए इसका अपना बिल्डिंग है, सेल फोन बिल्डिंग है. जस्ट टेल मी कि जब वो प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करेगा, उसको रेंट जो है बिल्डिंग का, मार्केट रेट जो है, वो मार्केट रेंट का जो दाम है जो नॉर्मली बाकी लोग करता है अपने कॉस्टिंग में, जैसे बी अपना नूडल्स के दाम पे रेंट को जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, बी अपने नूडल्स के प्राइस पे रेंट अमाउंट जो है उसको अपोर्शन करेगा कि नहीं करेगा, व्हाट डू यू थिंक? करेगा करेगा सर.
अगर वो नूडल्स का दाम में अपना बिल्डिंग का रेंट को नहीं जोड़ेगा तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कर पाएगा? एक चीज को बनाने में, जैसे हम लोग अभी बार बार बात कर रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इक्वल्स टू क्या मैंने बताया आपको, फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जस्ट एक चीज देखो, लैंड के बदले आप जो रेंट दे रहे हो ये आपका कॉस्ट है, लेबर के बदले आप वेजेस पे कर रहे हो ये भी आपका कॉस्ट है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे कर रहे हो ये भी आपका कॉस्ट है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट ले रहा है ये भी बिजनेस का कॉस्ट है। अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह सोचो तो आप कॉस्ट समझ पाओगे। ये जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, दीज आर कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो चलो एक 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 ग्राफ प्लॉट करो, तो मेरे साथ साथ करो, एक ग्राफ प्लॉट करो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ प्लॉट करो, एक गजब का पॉइंट समझ में आ जाएगा कि बिजनेस करने के टाइम पे बिजनेसमैन कहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली कॉस्टिंग नहीं कर पाता, और कॉस्टिंग नहीं कर पाओगे तो मुश्किल में आ जाओगे। देखो ये एक इकोनॉमिकल साइकिल बना रहा हूं मैं, करना मेरे साथ साथ करना कॉपी में प्लीज। ये हाउस होल्ड है, क्या है ये हाउस होल्ड है, मतलब इकोनॉमी में सोसाइटी में दो चीज होते हैं, एक हाउस होल्ड होते हैं, एक फार्म होते हैं। मैं दो मिनट के लिए सरकार मतलब गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री सबको बंद रखता हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट वगैरह होता है, गवर्नमेंट है, फॉरेन कंट्री है, नॉर्मली ये मैं टू सेक्टर इकोनॉमी बिल्डअप कर रहा हूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी मान के चल रहा हूँ कि कोई नहीं है, ना सरकार है, ना देयर इज नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन कंट्री, सिर्फ हाउस होल्ड है और फार्म है। मतलब आप दिमाग में कुछ ऐसा घुमाते हुए चलो कि भाई एक इंडिया है जिसमें ये हमारा कंट्री है, मतलब ये इंडिया के अंदर इंडिया इंडिया है और इंडिया का हाउस होल्ड है, ठीक है? इंडिया है और इंडिया का हाउस होल्ड है। तो इंडिया के अंदर अलग अलग बिजनेसेस हैं, जैसे कि फार्म, जैसे कि कनॉट प्लेस में अलग अलग बिजनेस फार्म है, और साथ में फार्म है और हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड फार्म को क्या क्या सप्लाई करता है ये आप लोगों को पता है, जो लोग प्रोडक्शन का क्लास किए हो। हाउस होल्ड क्या क्या सप्लाई करता है इसको? लैंड देता है, बताओ आप लोग बताओ। कैपिटल, वेरी गुड। एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और फार्म, फार्म हाउस होल्ड को क्या सप्लाई करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, थैंक यू। फार्म जो भी गुड्स बनाते हैं और जो भी सर्विसेज देते हैं, ये बेसिकली फार्म हाउस होल्ड को सर्विस करते हैं, जो भी यहाँ पर बिल्ड होगा। फार्म मतलब क्या सर? फार्म मतलब कंपनी, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट या कंपनी भी बोल सकते हो। अब एक ध्यान से एक चीज देखो, साइकिल कैसे घूमता है। ये हाउस होल्ड की तरफ से किसी ना किसी का जमीन है, हाउस होल्ड में किसी ना किसी का लैंड है, तो कॉर्पोरेट को उससे लेना पड़ेगा, ठीक है, ये एक फ्री मार्केट है, तो कॉर्पोरेट को उससे लेना पड़ेगा। तो जो लैंड देता है, जो हाउस होल्ड लैंड दे रहा है बिजनेस को, बदले में लैंड के बदले में कंपनी हाउस होल्ड को क्या रिटर्न में देगा? रेंट, थैंक यू सर। जो लेबर दे रहा है, मतलब हाउस होल्ड की तरफ से कोई ना कोई जाके कंपनी में काम करेगा, हेलो, हाउस होल्ड की तरफ से कोई ना कोई जाके कंपनी में काम करेगा ना, क्योंकि हर कोई तो घर का ही बंदे होते, कोई रस्ते का थोड़ी ना होता है, आवारा कोई नहीं होता, सब घर का बंदा होता है, वो ही बाहर जाके फार्म में कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे यहाँ पर कनॉट प्लेस में जाके काम करते हैं, कोलकाता में सॉल्ट लेक में जाके काम करते हैं, क्योंकि मैं कोलकाता में, मेरा घर सॉल्ट लेक के बगल में ही है, तो एकदम सेक्टर 5 में बहुत सारा लोग अलग अलग स्टेट से आके भी काम करते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो पॉइंट क्या है, हाउस होल्ड लैंड दे रहा है तो बदले में फार्म इसको रेंट दे रहा है। जो लेबर दे रहा है, लेबर मतलब इकोनॉमी का सब लेबर सर, एक चीज ध्यान रखना, लेबर इन द सेंस दो तरह का लेबर होता है इकोनॉमी में, एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। ब्लू कॉलर मतलब जो लोग थोड़ा मेहनती होते हैं, मतलब फिजिकल लेबर देते हैं, ठीक है, और व्हाइट लेबर मतलब सर जो लोग, व्हाइट कॉलर का मतलब होता है जो लोग मेंटल लेबर देते हैं। बट इन द इकोनॉमी एवरीबडी इज लेबर, मतलब यू आर लेबर, आई एम लेबर, सबको लेबर, हम लोग दिमाग वाला काम करते हैं, हम भी लेबर हैं, इकोनॉमिक इस तरह का बाइफर्केशन नहीं करते। सर हम तो सैलरी में काम करते हैं, अरे सर वो सुनने में अच्छा लगता है, दैट्स वाई, बट बेसिकली आप लेबर हो, इकोनॉमी में सबको लेबर बनना पड़ता है। एग्जैक्टली इकोनॉमी कभी सैलरी वाला वर्ड यूज नहीं करता, सैलरी वर्ड अकाउंट्स यूज करते हैं सर। सैलरी
सैलरी वाला जो वर्ड है ना, हम लोग बोलते हैं ना सैलरी कितना मिलता है, ये सैलरी वर्ड यूज करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी में, इसका यूज इकोनॉमिक्स में नहीं होता। ऐसे तो इकोनॉमिक्स से सारा का सारा सब्जेक्ट का जन्म हुआ है सर, चाहे आप अकाउंटेंसी कर लो, चाहे आप कॉस्ट कर लो, ठीक है, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, सारा का सारा जितना कॉमर्स में पेपर होता है सब पेपर का जन्म तो यही सब्जेक्ट से हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो चलो सर इसमें और क्या पॉइंट है, आप बात समझ रहे हो ना, तो लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। अरे भाई जहां से बैंक वगैरह से जहां से भी इंटरेस्ट उठाओगे, हाउस होल्ड का ही कोई ना कोई घर से कोई ओनरशिप लेके बिजनेस को बैंक को बनाया, जैसे कुछ नाम बना सकते हैं आपको। उदय कोटक का नाम सुने हो सर? हेलो सर, कोटक महिंद्रा बैंक का ओनर प्रोमोटर है ये, ठीक है। चंद्रशेखर घोष का नाम सुने हो सर? सर क्या क्या नाम कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हो सर, आप सबको धीरे धीरे सब अपडेशन मिल जाएगा, ठीक है, समय के साथ। आई होप बहुत लोगों को पता भी है, अगर जिसी को ऐसा लग रहा है कि सर क्या क्या नाम मान लाते हो, सर कोटक महिंद्रा बैंक का प्रोमोटर ये है, चंद्रशेखर घोष सर बंधन बैंक का ओनर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोई ना कोई घर से ही कोई ना कोई आके बैंक बना रहा है, फिर वो कैपिटल बिजनेस करने के लिए दे रहा है, फिर जो भी बिजनेस करने के लिए कैपिटल दे रहा है आप बदले में फार्म क्या करते हैं उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं सर, प्रॉफिट लेते हैं अपने बिजनेस से, ये इसका कॉस्ट है, ठीक है। तो ये रेट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बिजनेस की नजर से क्या बोलेंगे जानते हो, फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर? फैक्टर कॉस्ट। बोलो सर ये फैक्टर कॉस्ट को समझ में आया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर कॉस्ट, ये पॉइंट क्लियर है आप सबको, प्लीज बताइएगा। ओके, तो अब इतना देर से मैं इतना सारा जो पॉइंट बोल रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट कोई बनाए, ठीक है सर, थोड़ा पेशेंस के साथ चलो ताकि आप आगे का पॉइंट समझ पाओ। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो खर्चा होता है ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, ये क्या प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चाहे बुलेट ट्रेन बनाओ, चाहे मैगी का पैकेट बनाओ, वेदर यू वॉन्ट टू बिल्ड ए बुलेट ट्रेन और यू वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर, यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस ए मैगी पैकेट, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बुलेट ट्रेन बनाओगे या मैगी पैकेट बनाओगे, तो क्या रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये प्रोडक्ट कॉस्ट में जाना चाहिए, यस और नो? जाना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्ट का जो भी प्राइस डिटरमिनेशन होता है, प्रोडक्ट प्राइस डिटरमिनेशन होता है, कॉस्ट या प्राइस जो भी आप बनाओ उसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंक्लूड होता है। अब यहीं पर पॉइंट हो रहा था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में, अगर आपका खुद का बिल्डिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, तब से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका खुद का बिल्डिंग है, अगर आपका खुद का कैपिटल है, ठीक है, पापा से लिए हुए इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, आप खुद ही लेबर ही कर रहे हो अपने बिजनेस पे, तो खुद वेजेस भी ले रहे हो, मतलब बाहर से किसी को लाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में ये इम्प्लिसिट कॉस्ट आना चाहिए और नहीं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो आप बाहर वाले को देते हो, वट एवर यू पे टू दी आउटसाइडर्स, वट एवर यू पे टू दी आउटसाइडर्स कैश पेमेंट करते हो, बाहर वाले को करते हो, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिजनेस के लिए करते हो। अगर यही बिल्डिंग के लिए आप बाहर वाले से बिल्डिंग का रेंट लेते, अगर यही चीज अगर आप बाहर वाले से कैपिटल लेके, कोई भी आउटसाइडर से कैपिटल लेके इंटरेस्ट भरते, कोई भी आउटसाइडर्स को आप रिक्रूट करके वेजेस पे करते या सैलरी पे करते, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आप आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हो। सर प्लीज बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे यहां पर बताओ, थोड़ा ट्रिकी है सर बट बहुत गजब का है। प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट होता है या प्राइस होता है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए और नहीं? क्या लगता है आप लोगों को, बताना आप लोग, अगर आपका रेंट का जो आप बाहर वाले को देते हो लेकिन आपका खुद का है तो आप नहीं दे रहे हो, अगर आप खुद के कैपिटल लगा रहे हो पापा से लेके, आपको इंटरेस्ट देने का नहीं जरूरत पड़ रहा है तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा बच रहा है, अगर आप खुद ही मेहनत कर रहे हो तो लेबर या वेजेस का खर्चा बन रहा है। तो मेरा सवाल है आपसे, सपोज आप एक नूडल्स मैन्युफैक्चरर हो, मैगी जैसा एक कंपनी बना रहे हो, ठीक है, या वाई वाई जैसे कोई कंपनी बना रहे हो, प्लीज टेल मी, क्या आपके वाई वाई के कॉस्ट में ये इम्प्लिसिट कॉस्ट आना चाहिए, यस और नो? सर पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, प्लीज बताइएगा। नया चीज अरिजीत, सबको पूछ रहा हूँ,
यस सर इम्प्लिसिट कॉस्ट आना चाहिए ये सर नो क्या बोला है सर सर देखो अगर ये आपका एक एडवांटेज है प्लीज ध्यान से समझना एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज बिना एक्सप्लिसिट कॉस्ट का कैसे बनाओगे खर्चा होगा तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में तो दाम जोड़ोगे ना नहीं तो आप कैसे करोगे लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक चीज आपको एडवांटेज है जिसका अपना खुद का ये सब है ना वो एक काम करेगा जोड़ेगा जरूर बट बाद में डिस्काउंट कर देगा क्योंकि वो उसको ये सब कॉस्ट नहीं पड़ रहा है ना पहले सब कुछ ऐड कर दो ये लॉजिक है क्योंकि मार्केट के साथ आपको खुद को भी जाना चाहिए इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ना चलो सर एक एग्जांपल लेते हैं बहुत गजब का एग्जांपल लूंगा ध्यान से बताना समझ में आएगा कि नहीं आएगा एक बिजनेस ले रहा हूँ जो लोग सच में बिजनेस सीखना चाहते हो इकोनॉमिक्स आपको सच में बिजनेस सिखा सकता है ये एक कंपनी मैंने इधर लिया क्या है कंपनी का नाम बिग बाजार वर्सेस फ्लिपकार्ट बिग बाजार वर्सेस फ्लिपकार्ट चलो कोई बात नहीं मैं बस इमेज चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप मुझे एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ कि बिग बाजार और फ्लिपकार्ट के बीच में फर्क क्या है दोनों ही सेम तरह का प्रोडक्ट मार्केटिंग करके बिजनेस करता है करेंटली बिग बाजार का हालत काफी खराब हुआ है इवन कंपनी रिलायंस के पास बिक चुका है सर अभी भी डील कंप्लीट नहीं हुआ आप समझ पा रहे हो ना मेरा बात ये है फ्लिपकार्ट सर आप लोग ये कंपनी के बारे में सुने तो होंगे ना फ्लिपकार्ट और बिग बाजार दोनों कंपनी के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो हेलो सर क्या बात कर रहे हो सुने जी सुने भी हो प्रोडक्ट भी यूज करते हो मेरा सवाल है आप लोगों के सामने कि बिग बाजार के बिजनेस में रिसेंटली एक काफी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस के कारण मतलब इसमें फ्लिपकार्ट है अमेजन है ठीक है लॉट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस तो ये ऑनलाइन बिजनेस के साथ ऑफलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है एनीबॉडी प्लीज टेल मी Where is the big gap between Big Bazaar या Flipkart, Amazon जैसे business? Big Bazaar को sell करना पड़ा सर Big Bazaar sold हो चुका है किसके पास Reliance खरीदा है इसको इतना ज्यादा लोन का burden हो गया था ये स्टोर देख रहे हो आप Big Bazaar का ये स्टोर का कितना रेंट पड़ जाएगा कोई आइडिया है किसी को Big Bazaar का ये स्टोर का क्या रेंट पड़ जाता है एनी आइडिया अगर किसी को कोई आइडिया है तो जरूर शेयर करना मिनिमम मिनिमम सही बोले हो सर मिनिमम 1 से लेके 1.5 एकदम मिनिमम खर्चा है 1 से 1.5 लाख का कॉस्ट है इनका पर मंथ है ना एनुअल नहीं रे बाबा पर मंथ का खर्चा है एक बिग बाजार चलाने का पर मंथ का कॉस्ट कम से कम और भी ज्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ओके डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन पार्क स्ट्रीट का बिग बाजार का खर्चा और खड़गपुर का बिग बाजार का खर्चे में फर्क होगा ना खड़गपुर एक स्मॉल टाउन है और पार्क स्ट्रीट कोलकाता का सबसे प्राइम बिजनेस लोकेशन है कनॉट प्लेस में और ज्यादा होना चाहिए तो एग्जैक्टली पॉइंट क्या है कि इसका पर मंथ 1.5 लाख है तो आप मुझे बता सकते हो कि बिग बाजार में बिग बाजार का रेंटिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा एनुअली हेलो बिग बाजार का रेंटिंग कॉस्ट एनुअली कितना आ जाएगा प्लीज बताना 18 लाख 1.5 × 12 कितना होता है प्रगति 18 लाख वेरी गुड 18 लाख ये बिग बाजार का कॉस्ट है सिर्फ रेंट का अब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट मेंटेन करता है वेबसाइट एंड ऐप मेंटेन करता है क्या उसका खर्चा एनुअली 18 लाख होता है व्हाट डू यू थिंक नो सर इसका एनुअल एक्सपेंस है एक स्टोर का वन स्टोर ऐसे बिग बाजार का 150 स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में और भी ज्यादा मिनिमम 150 स्टोर का 18 लाख करके कॉस्टिंग करो ना सर 150 × 18 कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को बिजनेस का मॉडल बिग बाजार का हालत 2700 करोड़ का खर्चा है 2700 लाख मतलब करीब करीब 2.5 करोड़ का खर्चा है एनुअली मतलब 3 करोड़ मान के चलो करीब करीब 3 करोड़ का बिग बाजार का खर्चा है
फ्लिपकार्ट को अपना वेबसाइट चलाने में इससे काफी कम खर्चा होता है सर. एनुअल एक्सपेंस हार्डली, मैं आपको बताता हूँ, हार्डली 1 से 1.5 लाख का होता है एनुअली वेबसाइट ऐप को चलाने का. इनका मेन खर्चा कहाँ है? डिलीवरी बॉय का. ठीक है, डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है, डिलीवरी बॉय वगैरह में इनका थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, बट इनका ऐप वेबसाइट का जो दुकान है उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है. एनुअली हार्डली 1.5 से 2 लाख का खर्चा है. मतलब जहां पर ये लोग मंथली खर्चा 1.5-2 लाख करता है, चलो आप ज्यादा से ज्यादा 10 लाख ही मान लो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर भी तो ये ज्यादा है. लेकिन इतना नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ. मेरा एक टीम है जो लोग वेबसाइट बिल्डअप का काम करता है सर. ठीक है, तो 1.5 लाख हार्डली एक ऐप वेबसाइट को मेंटेन करने का खर्चा, क्लाउड में थोड़ा ज्यादा सर्वर पे खर्चा करना पड़ता है, चलो 5 लाख ही मान के चलते हैं, इनका सर्वर थोड़ा हाई फाई है, 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं. तो इसका ओन टेक्नोलॉजी है तो इसका कॉस्टिंग कम पड़ जाता है, इसलिए सस्ता में प्रोडक्ट छोड़ सकता है मार्केट में, एंड इसका सुविधा ले रहा है ये मार्केट में. सर कुछ समझ में आ रहा है? डिस्काउंट ज्यादा पॉलिसी ले सकता है. नॉर्मल दुकानदार का मोबाइल में डिस्काउंट इतना नहीं होता जितना फ्लिपकार्ट दे देता है. क्या आप लोगों ने देखा सर, क्या आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया? नॉर्मल दुकानदार इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता जितना फ्लिपकार्ट अमेज़न दे सकता है. मोबाइल का कॉस्ट में कम से कम 1,500-2,000 का तो मिनिमम डिस्काउंट दे ही देता है ना सर? तो आप समझ रहे हो ना कि किस तरह से फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसे बिजनेस अपना डिस्काउंट पॉलिसी यूज करता है. इम्प्लिसिट कॉस्ट को वो लोग जोड़ता है सर, पर बाद में वो उसको ना हटा देता है. तो एग्जैक्टली, तो आपको मार्केट प्राइस भी पता हो जाएगा और फिर आप कॉम्पिटिशन में टिक सकोगे. चलो सर, वेरी गुड. तो अल्टीमेटली किताबी ज्ञान आपको क्या क्या सिखा रहा है बिजनेस के बारे में? अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट ऑनली व्हिच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म. अकाउंटिंग कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट. समझ में आया सर? तो फिर नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल में रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर. दैट्स इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब सवाल क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों आता है, अकाउंटिंग भी आता है नॉन अकाउंटिंग भी आता है. समझ में आ रहा है ना? इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल्स टू अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट एंड नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट. मतलब आउटसाइडर को जो आप दे रहे हो, आउटसाइडर पेमेंट का खर्चा और इनसाइडर पेमेंट आप कर नहीं रहे हो बट उसको मानना चाहिए, दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट करके आपको जो टोटल रेवेन्यू आएगा वहां से आप इकोनॉमिक कॉस्ट को हटा दो, दैट मींस आपका अकाउंटिंग कॉस्ट और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को हटा दो, तो आप प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो. सपोज आपका इकोनॉमिक कॉस्ट है, चलो मैं आप कैलकुलेशन करता हूँ. सपोज आपका अकाउंटिंग कॉस्ट कितना है, चलो एक एग्जाम्पल यहीं परफॉर्म कर लेते हैं. इकोनॉमिक कॉस्ट, चलो फ्लिपकार्ट का ही बिजनेस मॉडल ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट का ही बिजनेस मॉडल ले लेते हैं. सपोज फ्लिपकार्ट का 100 करोड़ का इकोनॉमिक कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट है इसका 70 करोड़ का, और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब अगर सेल्फ होल्ड बिल्डिंग लेता, इंटरेस्ट देता अपने कैपिटल का, वेजेस और वेजेस देता, मतलब खुद ही दे रहा है ना, तो इसका मार्केट से अगर हायर करता, अगर मार्केट से हायर करता, इफ हायर फ्रॉम द मार्केट, तो इसका 30 करोड़ का खर्चा होता. आप समझ रहे हो ना? 70 करोड़ का खर्चा तो बाहर वाले को कर ही रहा है, अगर 30 करोड़ बाहर वाले से लेता तो 30 करोड़ का खर्चा होता, तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट उसका हो जाता है 100 करोड़ का. अब इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सपोज बिजनेस रेवेन्यू कमाया है सर 150 करोड़ का, वन रेवेन्यू मतलब समझते हो ना सर, सेल. ठीक है, बिजनेस इतना रेवेन्यू दिया है, वहां से वो अगर प्रॉफिट को मतलब सॉरी कॉस्ट को हटाएगा तो कितना कॉस्ट है 100 करोड़ का, तो इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हुआ 50 करोड़ का, है ना सर? और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या हो गया उसका, टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट हटा दो, तो टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू मैंने यहाँ पर 150 माना, तो टोटल रेवेन्यू अगर उसका 150 है, वहां से एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना माना 70. आप समझ रहे हो ना? टोटल रेवेन्यू कितना माना 150, यहाँ से एक्सप्लिसिट कितना है 70, तो कितना हो जाता है 150 से 70 हटा दो, 30 आ रहा है क्या, सॉरी 80 करोड़. तो देखो तो उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80 करोड़, इकोनॉमिक प्रॉफिट 100 करोड़, अकाउंटिंग प्रॉफिट 80 करोड़, ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 70 करोड़,
इम्प्लिसिट कॉस्ट 30 करोड़। अब कैलकुलेशन इस तरह से कुछ भी देगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो सर, डेटा आपको गिवन रहेगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, सिर्फ मदब करके मुकोश तो गोरे या रट्टा लगा के बात नहीं बनता है सर। दिस इज इकोनॉमिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दिल से समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसी पर पॉइंट ऑफ व्यू में टोटल रेवेन्यू से अगर आप अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाते हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट से अगर आप नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाते हो तो भी इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है, एंड वहां से अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑब्वियसली ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट से प्रॉफिट में ज्यादा खर्चा निकल जाते हैं, तो इसलिए होता है। ठीक है, तो ये आप जब कैलकुलेशन और मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सब और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल बहुत कुछ होगा सर, ईच एंड एवरी चैप्टर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको सब दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट है सर, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से सुनना सर एक एक पॉइंट, इतना देर से हम लोग काफी कम चीज पढ़े हैं सर, बट बहुत ही अंदर के साथ पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसमें हम लोग क्या क्या नहीं पढ़े सर, बुलेट ट्रेन से लेके मैगी पैकेट से कहाँ कहाँ हम लोग घूम के आ गए। ओके, अच्छा, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज दिस आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स ऑन वेज, मटेरियल, रेंट एंड इंटरेस्ट एटसेट्रा। मतलब जितना आप खर्चा कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना, वेज, मटेरियल, रेंट एंड इंटरेस्ट, मतलब वही आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक चीज बता दूं आपको कि ये जो भी यहाँ पर मैंने लिख रहा है ना, जो लोग कॉस्टिंग पढ़ता है ना, मतलब जैसे सीए इंटर में जाओगे, सीएमए इंटर में जाओगे, ठीक है, या फिर बीकॉम में इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे ना, तो आपको कॉस्टिंग का अलग एक पेपर पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर अलग पेपर करना पड़ता है। प्रोफेशनल कोर्स में 200-300 मार्क्स का पढ़ना पड़ता है, बीकॉम लेवल में भी 200 मार्क्स का पेपर पढ़ना पड़ता है। तो ये कॉस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, तो वहां पर आप डिटेल्स करोगे, मैम कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पेपर पढ़ाते हैं, तब उसमें और ज्यादा जानोगे जब आप लोग और थोड़ा हायर क्लास में होंगे। ओके सर, जब आओगे तब देखा जाएगा, बट फिलहाल मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ, बस यू हैव टू नो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कि इसके ऊपर डिपेंड करके इंस्टीट्यूट फॉर्म हो गया सर, ICWA, सीमा लंडन, मतलब बिग बिग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर। अब देखो, आउटले कॉस्ट मतलब समझ गए, अब सवाल मन में आ रहा है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स रिफर्स टू इट्स वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, और इट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगन अपॉर्चुनिटी, इट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बताता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सपोज ध्यान से सुनना, आउटले मतलब से जितना आपका निकल रहा है खर्चा, आउटले का मतलब समझ रहे हो ना, जितना आपका खर्चा निकलते हैं उसी को हम लोग आउटले कॉस्ट बोलेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा समझना है, क्योंकि कुछ भी लिखने का गारंटी जरूरत नहीं है, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, जब ड्राइंग होगा मैं आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, उससे पहले अभी कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा जब कुछ लिखना होगा। आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, काइंड ऑफ सपोज आपने सोचा था कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में, एक सिंपल चीज बताते हैं, क्या बताओ, सपोज दुर्गा पूजा गया सर, जस्ट दुर्गा पूजा जस्ट ओवर हुआ, तो दुर्गा पूजा भी, दिवाली आ रहा है, दिवाली कमिंग, तो दिवाली में आपको पटाखा फोड़ना होता है, ठीक है, थोड़ा सेफली करना सर, तो दिवाली में आप पटाखा फोड़ना चाहते हो, तो पटाखा के लिए आपको पापा से या मम्मी से पैसा मिला, ठीक है, तो दिवाली में पटाखा फोड़ना है तो कितना पैसा मिला, सपोज आपको 2000 मिला, ओके, यू गेट 2000 रुपीज फॉर दी पटाखा, क्योंकि आपको फायर क्रैकर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर के लिए आपको 2000 मिला। अब आपको, आप जब भी फायर क्रैकर के लिए गए ना सर, तो आप वहां पर ना एक शॉपिंग मॉल था, तो शॉपिंग मॉल में आपको एक टी शर्ट दिखा जो आपको बहुत पसंद है,
अगर आप वो पहनोगे तो आपको लग रहा है ऐसा कि यू लुक वेरी हैंडसम एट दैट, तो आप क्या सोचते हो कि अगर टी शर्ट का दाम मानो 500 है, 500 है टी शर्ट का प्राइस, तो व्हाट डू थिंक आपका बजट कांस्टेंट है सर, ऐसे इकोनॉमी में ना कभी भी हर एक चीज को ना कांस्टेंट माना पड़ता है, तो आपका बजट भी ना एक कांस्टेंटनेस है, एक कांस्टेंट भी है, मतलब आप ऐसा नहीं कि पापा से फिर मांगोगे तो आपको दे देगा। सर मिडिल क्लास फैमिली की तरह सोचो, क्योंकि इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है, कोई रीच है तो बोलेगा क्या बात है भाई 2000 का क्रैकर ले ले, 500 का फिर से टी शर्ट ले लेना। सर मिडिल क्लास फैमिली ऐसा नहीं सोचता है, इंडिया का जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, मिडिल क्लास मेंटेलिटी ऐसा नहीं कर पाता है, उसका बजट फिक्स होता है। इंडिया भी वैसा ही कंट्री है सर, इंडिया में हार्डली 5-10% लोग रिच है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडिया रिच है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो अपना देश है ना, ये जो देश है मेरा भारत देश, ये मिडिल क्लास है, इसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास जैसा है, बस 5-10% रिच से आप पूरा इंडिया नहीं समझ सकते। 50% मोर देन 50% लोग मिडिल क्लास कैटेगरी से हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट से ही आपको इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग यूरोप में होते, अगर हम लोग यूरोप में होते तो उनके जैसा सोचते, ये है यूरोप हमारा जो वर्ल्ड में सबसे रिच कंटिनेंट है सर, वर्ल्ड का सबसे रिच कंटिनेंट है यूरोप, एक एक कंट्री बहुत रिच है, पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड इनकम, पुर्तगाल स्पेन फ्रांस यूके जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली सब रिच कंट्री है, तो इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम, देश हमारा इंडिया है, तो करेंट स्टेज के अंदर आज से 500 साल पहले इंडिया वर्ल्ड में रिच हुआ करता, सबको आके लूट के चला गया सर, उसका कहानी फिर कभी बताएंगे, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है, लेकिन करेंट प्रेजेंटली बात करते हैं ना, तो क्योंकि एक मिडिल क्लास है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका बजट कंस्टेंट है तो आप बजट बढ़ा नहीं सकते। यू गेट 2000 रुपीज फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड अभी आपको टी शर्ट लेना है, क्या करोगे, क्या करोगे, तो 500 का टी शर्ट मिलेगा, बजट लिमिटेड है सर, क्या करने से आपको मिलेगा ये 500 का टी शर्ट सर? हाँ बताओ, वेरी गुड सर, बेसिकली फायर क्रैकर में थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो भाई, सैक्रिफाइस करने से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, मतलब अगर आप थोड़ा नींद सैक्रिफाइस करोगे तो पढ़ने का अपॉर्चुनिटी आता है ना। हेलो सर, इफ यू कैन सैक्रिफाइस योर स्लीप, इसको सैक्रिफाइस करो, You will get more time to read. आप थोड़ा एंटरटेन या गेम खेलना छोड़ो, पबजी खेलना बंद करो, सर अभी तो बैन है। अरे कोई दूसरा मिल गया होगा पबजी की जगह, जब कुछ नहीं होता कुछ तो कर ही लेता है। पबजी थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे तो लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर लोगे यार, समथिंग प्रोडक्टिव यू कैन गेट, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको, टाइम मिलेगा, सोचोगे क्या है ना, इंडियन यूथ ना सोचता नहीं है, सिर्फ दूसरे का बना हुआ चीज कंज्यूम करता है, इसलिए इंडिया बन नहीं पाता है। बात सारा समझने में ऐसा लग रहा है, बट हमारा ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी का कारण ही है कि हम लोग बड़ा, हम लोग का सोच ही मिडिल क्लास है, वी थिंक लाइक अ मिडिल क्लास, हम लोग काम कम करते हैं और या ना मतलब आयशी ज्यादा करते हैं, बस चाइना एक गेम बना दे, बस हम लोग बैठे बैठे पढ़ेंगे, फिर चाइना कुछ डेवलप, चाइना हमारे यहाँ पर अटैक करने आएगा ना, हम लोग पबजी में अटैक करेंगे, चाइना अटैक कर रहा है हम लोग पबजी में अटैक करेंगे, क्योंकि हम लोग ना कुछ सोच ही नहीं पाते, जो चाइना करता है वो पबजी बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं, हम लोग पबजी खेलते हैं, हम लोग बेचते बनाते बनाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई वी कांट डेवलप आवर इकोनॉमी, हम लोग गेम प्रोडक्शन करने में इंटरेस्ट नहीं रखते सर, तो यही कुछ रीजन होता है कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ना होने के पीछे। बड़ा बेस का बात कर रहा हूँ, शायद गुस्सा हो रहा होगा मनी मन में आपको, बट दैट्स अ ट्रू, इकोनॉमिकली दैट्स अ ट्रू, मानो या ना मानो बात तो सही है। ओके सर, तो आप अगर थोड़ा फायर क्रैकर सैक्रिफाइस करोगे, 1500 इधर बजट दे दोगे तो 500 का टी शर्ट मिलेगा। तो पॉइंट क्या था, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट था, एग्जैक्टली बिजनेस इसी तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज करता है, इसी तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिजनेस भी यूज करता है, जैसे कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन तभी बना पाएंगे ना अगर कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें मिल जाए, ठीक है, तो इस तरह से इंडिया भी अपने तरह से कुछ ना कुछ कर रहा है, तो ताकि कुछ बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज बनाना बंद करे मतलब सैक्रिफाइस करे तो कुछ दूसरा मिल जाएगा, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आउटले कॉस्ट।
डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर रेडिली आइडेंटिफाइड एंड ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेशन और प्लांट. जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मतलब जो भी मटेरियल मेरा लग रहा है बिजनेस में, बिल्डिंग बना रहे हो भाई, सीमेंट का बोरा ला रहे हो, ईटा ला रहे हो, ब्रिक्स ला रहे हो, जो भी आपको चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, लेबर मेहनत करके बिल्डिंग बना रहे हो, उनको पेमेंट दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अल्टीमेटली, ये डायरेक्ट लेबर जो जिसको आप ट्रेस कर सकते हो, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट. इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब जिसको डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट वे में ट्रेस कर सकते हो. मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका प्लांट चल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है? डायरेक्ट तो नहीं है ना, नॉन ट्रेसेबल है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, बाद में पता चलता है अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी में काफी खर्चा हो गया. लेकिन मटेरियल जब भी यूज करते हो आपको पता चलता है कि इतने का मटेरियल लग गया है. समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ अलग अलग कॉस्ट है. अच्छा, और कितना तरह का कॉस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए? लिस्ट थोड़ा लंबा है. ओके, नेक्स्ट है सर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हाट इज दिस फिक्स्ड एंड वेरिएबल? इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा होगा चैप्टर के अंदर. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में काफी जोर का चर्चा होगा. फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब आपका आउटपुट चेंजेस के साथ साथ आपका कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता. फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही है फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा. अगर आपका बिजनेस पे आप अगर एक बिल्डिंग रेंट पे लिए हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बिल्डिंग रेंट पे लिए हो, रेंट है आपका 30,000 का, आपका जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि आप नूडल्स का बिजनेस कर रहे थे, पहले आप 500 पैकेट नूडल्स बनाते थे, अब आप 1,000 पैकेट नूडल्स बनाते हो. प्लीज टेल मी, जब आपने 500 पैकेट से 1,000 पैकेट नूडल्स में चले गए तो क्या आपका बिल्डिंग का रेंट चेंज हो जाएगा? प्लीज आंसर मी, बताइएगा. 500 पैक से 1,000 पैक में जाओगे तो क्या बिल्डिंग का रेंट 30 से 40,000 होगा? नहीं सर, नहीं होगा. एग्जांपल, आप रास्ते में पानी पूरी वाले या फुचका वाले को देखते हो ना, हेलो, रास्ते में पानी पूरी वाले या फुचका वाले, जिसको हम लोग फुचका या गोलगप्पे भी बोलते हैं किसी किसी एरिया में, चलो एक फुचका दुकान में जाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आता है सर, फुचका शॉप. देख रहे हो सर फुचका? अब मुंह में पानी मत लाना सर, कोरोना काल चल रहा है, बाहर जाना मना है. बहुत लोगों के मुंह में जरूर पानी आ गया होगा कि अभी तो चाहिए. कौन सा बटाटा पूरी, सेव पूरी, क्या क्या बोलता रहता है सर, आई डोंट नो. बट सर अभी फुचका नहीं बेचना है. सर मुझे एक चीज बताओ, ये जो इनका बिजनेस में ये रोज क्या डेली सेम फुचका सेल होता है? हेलो, नो सर, डेली सेम फुचका सेल नहीं हो सकता. तो इसका जो फुचका का ठेला का कॉस्ट है, क्या ये सेम है? ये फिक्स्ड है? यस. ये जितना सारा ये बर्तन यूज कर रहा है, ये जिस पर्टिकुलर कंटेनर पे ये फुचका को रखता है, ये फिक्स्ड है ना सर? ये फिक्स्ड है. अब किस दिन फुचका 500 फुचका सेल हो जाता है, किस दिन 200 फुचका सेल होता है, किस दिन पूरा पेटी खाली हो जाता है फेस्टिव टाइम पे, तो ये वेरिएबल है. फुचका डेली जो चेंजेस होता है वो वेरिएबल है. आलू रेगुलर चेंज हो सकता है, आलू का मसाला चेंज हो सकता है, इमली का पानी चेंजेस हो सकता है, इसमें जो भी खर्चा आता है वो वेरिएबल है. बट ये जो इसका फिक्स्ड एरिया है, ये जहां पर वो बैठता है ना, इसके लिए पार्टी वगैरह लोगों को थोड़ा पैसा दिलाना पड़ता है, नहीं तो बैठने नहीं देगा सर. सामने जो दुकानदार है ना, वो दुकानदार भी उसको भगा देता है, क्योंकि ये फुटपाथ में बिजनेस करते हैं ना सर, तो इसके लिए इनको ना एक पेमेंट करना देना पड़ता है, हफ्ता देना पड़ता है, तभी जाके ये दे सकता है. आप समझ रहे हो ना? ये देखो क्या लिखा है सर, राजेंद्र फुचका. कहाँ है? कोलकाता में. क्या जाना पड़ेगा, बड़ा मजेदार दिख रहा है दुकान, कोई बात नहीं. तो आप समझ रहे हो ना, तो ये राजेंद्र फुचका जहाँ भी दुकान लगा है, इसका एक रेंट है इसका, तो ये रेंट इसका बात बात में चेंज नहीं होगा. तो जो चेंज नहीं होगा, जैसे अगर मानो कि किसी दुकान में इंश्योरेंस क्या हुआ, जैसे बड़े बड़े दुकान में इंश्योरेंस रहता है, अब फुचका वाला क्या इंश्योरेंस करेगा? लेकिन मैं आपको बता दूं, कोलकाता में एक बंदा है जिसका कोलकाता में करीब 300 फुचका दुकान है, वो भी अलग अलग ऐसे ही छोटा छोटा दुकान, नॉट अ वेरी बिग, करोड़पतिया सर, एक इतना अच्छा, इतना गजब का फुचका चिन चलाते हैं, मतलब करोड़पति है सर, इतना ज्यादा बिजनेस अच्छा करता है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट लगा के बिजनेस करता है, ये ठेला बहुत गजब का लग रहा है, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बिजनेस में फिक्स कॉस्ट. तो अगर कोई बिजनेस में अगर इंश्योरेंस करता है तो इंश्योरेंस का खर्चा थोड़ी ना चेंज होता है, इंश्योरेंस भी फिक्स्ड है. तो एग्जैक्टली सर, ये सब बस कुछ, मैं ना आप लोगों को कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको पता है,
बस मेरा काम होता है सर कनेक्ट कराना, और कुछ नहीं। आप सब जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ, आपको कनेक्ट कराता हूँ। आप सब कुछ जानते हो, सबसे ज्यादा कौन जानता है? आप जानते हो। एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन। एडुकेशन कोई नया चीज नहीं होता, एवरीथिंग इज अवेलेबल थ्रू आउट आवर, मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ योर माइंड एंड सराउंडिंग एरिया, हमें बस डिस्कवर करना होता है। तो फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट यू अंडरस्टैंड। चलो सर अभी एकदम मेन पॉइंट पे एंट्री लेते हैं, कॉस्ट फंक्शंस। अभी आपको लगेगा कि अच्छा थ्योरी ऑफ कॉस्ट अभी चालू हुआ, नहीं सर इतना देर से चालू हो चुका था। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शंस क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इन कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर, देखो सर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कॉस्टिंग है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखो कितना प्रोडक्शन होगा, लेवल ऑफ आउटपुट, प्लांट का साइज क्या है, टाइम पीरियड क्या है, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, इनपुट प्राइस कितना होगा, टेक्नोलॉजी कैसे लगाओगे, मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या होगा, सारा का सारा मैटर डिपेंड करता है सर। तो कॉस्ट एक डिपेंडेंट है, कॉस्ट किसी को थोड़ी ना पता होगा। हेलो सर बताओ मुझे, फुचका वालों को थोड़ी ना पता है कि भाई मतलब कॉस्ट क्या होगा फुचका का, ये तो टाइम टू टाइम, क्या फुचका का कॉस्ट हमेशा सेम रहता है? हेलो, जैसे कि नहीं सर, पॉसिबल नहीं है सेम रहना। ये फुचका का प्लेट, मुझे जितना आइडिया है, एक दो तीन जैसा प्लेट में दिया है, कोई दुकान में होगा, कोई ठेला में नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, क्या दाम होगा कोई बताओ प्लीज, क्या प्राइस होगा इसका? आठ आठ पीस फुचका, क्या दाम है? हाँ बोलो, सत्तर टका तो होवे। अच्छा तू बता रहा है 70 रुपीस, चलो मैं 80 मान के चलता हूँ। हाँ मतलब जिस तरह से डेकोरेशन है इसका, ठीक है दुकान में ऐसा ही दाम होता है, तो अगर ठेला में होता तो ये मेरे हिसाब से हार्डली 20 रुपीस या 30 रुपीस होता, ठेला में होता तो 80 रुपीस का प्लेट है। अब ये 80 रुपीस का प्लेट किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर क्या क्या है? सबसे मेन चीज, ये फुचका किससे बनता है कोई बताओगे? क्या फुचका किससे बनता है? ये पपड़ी जो है इसका किस, क्या चीज से बनाया जाता है, किसी को पता है क्या चीज से बनता है ये? सूजी, मैदा। सूजी एंड मैदा, यस सर, सूजी एंड मैदा से बनता है। तो सूजी एंड मैदा का कॉस्ट इस फुचका के अंदर है, इसके अंदर छोला आलू ये सब भी दिया हुआ है, तो छोला आलू का कॉस्ट है, इमली का पानी है, प्लेट का जो खर्चा है, इसको धोने का जो खर्चा है, जो लेबर इस पे काम करता है ना, इसको धोने का काम करता होगा, ओके। और क्या खर्चा इसमें आ जाता है सर? ये दुकान है सर, एकदम दिख रहा है ये कोई शॉप है, तो शॉप का रेंट भी है। तो डोंट यू थिंक कि ये फुचका का प्लेट जो 80 रुपीस लगा गया है, उसको पता है कि पर डे उसके दुकान में कितना प्लेट ऑफ फुचका बिकता है? मंथली रेंट अगर इस दुकान का 10,000 है, क्या आप बता सकते हो अगर दुकान का रेंट 10,000 है मंथली, तो पर डे अगर अगर 10 प्लेट फुचका बिकता है तो मंथली कितना फुचका बिकेगा? सर प्लीज एक कॉस्टिंग करो, बहुत गजब का पॉइंट है सर। 24,000 एक एग्जाम्पल, बस एजम्पशन के साथ चलो सर, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो पॉइंट। फुचका का प्लेट कितना है? चलो एजम्पशंस बना के ही चलते हैं, सॉरी फुचका का प्लेट 80 रुपीस, रुपीस 80। अगर डेली 10 पर डे, 10 प्लेट पर डे फुचका सेल होता है, तो डेली 800 रुपीस का सेल होता है फुचका से। शॉप का रेंट है 10,000, वे लेबर जो बिजनेस में काम करता है उसका 5,000, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अलग खर्चा सब कुछ मिला के 5,000, तो 10 5 5 कितना का हो गया सर? 20,000 का खर्चा है एक फुचका का शॉप चलाने का। प्लेट है 80 करके, 10 प्लेट पर डे का दाम, मतलब पर डे बिकता है उसका, मान के चल रहा हूँ, तो 800 करके 30 दिन का उसका कितना आता है? 24,000। तो दुकानदार कितना लेके जाएगा सर घर? 4,000। तो सर अगर आपको पॉइंट क्या है यहाँ पर, कॉस्टिंग कैसे हेल्प करता है, प्लीज इसको एकदम दिल से समझो।
अगर क्योंकि प्रोडक्ट का रेट थोड़ा हाई है कंपैरेटिवली, तो अगर वो सेम रेट में उसको 4000 पे क्या बनता है सर, एक दुकान चला के 4000 घर लेके जाता है, कुछ फैमिली नहीं चल सकता। मिनिमम दुकान चला के 15000 तो चाहिए, नीड क्या है उसका 15000 मिनिमम, इससे नीचे वो फैमिली रन नहीं करा सकता। मान के चलता हूँ उनका बीबी है, बच्चा है, ठीक है, चार जन का फैमिली है, 4000 में क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। तो 15000 पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या तो पर डे सेल बढ़ाना पड़ेगा, और पर डे सेल बढ़ाने के लिए हो सकता है कि उसको फुचका का रेट कम करना पड़े, मतलब दाम ज्यादा है इसलिए सबको ही नहीं आता है। अगर प्लेट का कॉस्ट 50% में कम कर देता है, 40 कर देता है, तो उसको पर डे अगर वो 50 प्लेट अगर उसके जगह उसको मिल जाता है, तो पर डे सेल उसका हो जाएगा 2000 ना, है ना, दाम आधा कर देगा, तो शायद उसका ज्यादा लोग खाने के लिए आ जाए। तो 40 करके 50, 2000 का अगर पर डे सेल हो जाए, तो 2000 करके 30 दिन का 60000 का हो जाए, तो उस वहां से अगर वो इस तरह से खर्चा को लेस करे, 20000 की जगह थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग खाने आएगा, तो और इसका लेबर का खर्चा 10000 हो जाएगा शायद, तो 60000 से 30000 चला जाएगा, तो जाके मे बी उसको 30000 मिल जाए। तो देखो कॉस्टिंग क्या वाइटल इंपॉर्टेंस ही रखता है, एक 50% कॉस्ट कट और थोड़ा कस्टमर अट्रैक्शन, बिजनेस का खुलिया चेंज कर दिया सर। कुछ समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? तो अल्टीमेटली कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट 80 होगा कि 50 होगा, इट्स डिपेंड, है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सब बाकी चीजों पे डिपेंड करता है, भाई कितना मेरा आउटपुट चाहिए, कितना मेरा प्लांट का साइज है, मेरा टाइम पीरियड क्या है, मतलब मैं कितना से कितना देर तक बिजनेस को रन कराता हूँ, कैपेसिटी कितना यूज कर रहा हूँ, इनपुट प्राइस कितना दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली मैनेजर कितना एफिशिएंट है। मैनेजर इन द सेंस यहाँ पर ओनर भी हो सकता है, अगर कोई MBA करके किसी कंपनी में काम कर रहा है वो भी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये भी हो सकता है। सब पे डिपेंड करता है बिजनेस का ग्रोथ। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, कॉस्टिंग का एकदम क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है, आई होप आप लोग मजा ले रहे हो सर। फुचका वाला क्या सर, किसी भी बिजनेस को हेल्प कर सकते हो आप लोग। अब देखो सर, कॉस्टिंग सर दो तरह का होता है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन इन द सेंस बिजनेस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, बिजनेस के नजर से सोचो, हाँ, ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेस मैन, ऑलवेज थिंक यू आर अ बिजनेस मैन, ऑलवेज बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो भी जाके आप इकोनॉमिक्स को समझ पाओगे, अकाउंट्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे, कॉस्टिंग लॉ जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तब सब कुछ समझ पाओगे। तो शॉर्ट रन में ऑलवेज कुछ फैक्टर्स इन द सेंस, अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर, जिनके बिना कुछ नहीं बनता। इंडिया में एटलीस्ट 10 में से एक बंदा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए सर, नीड है सर, समय का मांग है। अब मैं आपको इतना बताऊंगा, अगर अभी क्लास में 10-15 जन हो आप लोग, तो एटलीस्ट एक बंदा जरूर एंटरप्रेन्योर बनना सर, क्योंकि ये इंडिया का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है सर। दिस इज माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट एक बंदा जरूर बिजनेस मैन बनना, क्योंकि वन बिजनेस मैन कैन गिव द जॉब टू द 10%। इसलिए मैं मानता हूँ कि 10:1 का रेशियो होना चाहिए। इंडिया में करेंटली 1 lakh is to 1 भी नहीं है, आप समझ रहे हो सर, 1 lakh में एक बिजनेसमैन नहीं है। और मैं, मेरा एम है सर, मैं इस तरह इसीलिए पढ़ाता हूं, मेरा दिमाग में ही काम करता है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर बिल्ड करना सर, तो 10 बंदा को काम मिल सकता है कम से कम, और अगर वो हो जाए तो इंडिया का ये 130 से लेके धीरे धीरे और बढ़ रहा है सर, मतलब ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है इसको टैकल भी होगा, और सबसे मेन चीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो 1 lakh is to 1 भी नहीं है करंटली, वहां से 10:1 पे जाना है। क्या आप समझ पा रहे हो सर, कैसे होगा पता नहीं, ये जो जॉब जॉब का खेला चल रहा है, आई डोंट नो, बट सीरियसली इट्स पॉसिबल सर। जॉब अच्छा है सर, जॉब तो सबको करना है, बट थोड़ा बिजनेस माइंड भी चाहिए। ये बिजनेस का ग्रोथ क्यों नहीं होता बोला तो, बिकॉज जो बिजनेस में बिजनेस को टैकल करने के लिए जॉब पाने के बाद जाते हैं ना, वो भी तो दिमाग नहीं लगाता है ना, वो भी तो दिमाग नहीं लगाता है, मतलब उसका माइंड बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। वो अपने आप को सैलरी होल्डर समझ लेते हैं, भाई काम करो ना करो पैसा तो आ जाएगा अकाउंट में, अरे भाई इसी का तो दिक्कत है, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है, BSNL का हालत देखो, ठीक है, आप कोई भी सरकारी बैंक देख लो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है,
कोई भी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, हाँ अब कोई भी सरकारी बैंक देख लो, ठीक है, अब कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, सबका हालत एकदम डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। अब समझ रहे हो ना डब्बा क्यों बनता है? क्योंकि जो बिजनेस को चला रहे, जो मैनेजर है ना, वो बिजनेस का हालत उसको टैकल करना ही नहीं आता, करना नहीं चाहता है, बैठे बैठे जो मिल जाता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द माइंड सेटअप सर। देश खराब नहीं है कोई भी, देश चलाने वाले खराब होते हैं, देश का जनता खराब होते हैं, देश खराब नहीं होता। ओके, तो शॉर्ट रन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में एटलीस्ट दो फैक्टर, एटलीस्ट कुछ फैक्टर फिक्स रहेगा, या तो लैंड का रेंट फिक्स रहेगा या तो लेबर का वेजेस फिक्स रहेगा। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में एटलीस्ट कुछ फैक्टर्स फिक्स रहना जरूरी है, लॉन्ग रन में सारा का सारा वेरिएबल हो जाएगा। मतलब लैंड का रेंट भी चेंज हो जाएगा, लेबर का वेजेस भी चेंज हो जाएगा, कैपिटल का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी तो चेंज होगा ना सर समय के साथ साथ। तो लॉन्ग रन में एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, बट इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिक्स्ड फैक्टर्स हैव फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्टर्स हैव वेरिएबल कॉस्ट। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अप्लाइज हियर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये पॉइंट हम लोग प्रोडक्शंस में पढ़े, जो लोग नहीं पढ़े हो उनको बाद में पढ़ाया जाएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, डोंट वरी फॉर दैट। मतलब सिंपल कहना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मतलब कि शॉर्ट रन में क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर्स का फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स का वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ओला उबेर का एग्जाम्पल लूंगा सर, आई होप यू नो व्हाट इज ओला उबेर। कोलकाता या कोई भी बिग सिटीज में बहुत चलता है। इन शॉर्ट रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ओनली, बट फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी वैरिड। शॉर्ट रन में जो भी आपका आउटपुट है वो कमा बड़ा हो सकता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, बट फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी वैरिड। मैं आपको समझाता हूँ क्यों होता है सर। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन इज ए पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी वैरिड। सारा का सारा फैक्टर वैरी हो जाता है। लॉन्ग रन मतलब मोर देन वन ईयर और फाइव ईयर, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कैरेक्टर, मोर देन वन ईयर और फाइव ईयर। पाँच साल में ज्यादा कुछ बड़ा फैक्ट्री वगैरह हो तो पाँच साल की ज्यादा हो जाए तो लॉन्ग रन माना जाएगा। छोटा मोटा बिजनेस हो तो एक साल ही, एक साल क्रैक कर जाए तो फिर वो लॉन्ग रन हो जाता है। देर इज ऑनली वेरिएबल कॉस्ट, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉस्ट। सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल वहां पर अप्लाई होता है। जो लोग रिसेंटली प्रोडक्शन चैप्टर करके आए हो वो कनेक्ट कर लोगे कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है। सिंपल है सर, सारा का सारा फैक्टर वेरिएबल होते हैं, दैट्स व्हाई लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाइज हियर। इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स। लॉन्ग रन में आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होता है बट सारा का सारा फैक्टर चेंज होगा। मतलब लैंड का रेंट चेंज होगा, लेबर का वेजेस चेंज होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट भी चेंज होगा, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी चेंज होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ओला उबेर क्या बता रहा था। सर हर चीज का केस स्टडीज हो जाए मजा आ जाए। चलो फुचका दुकान नहीं, ओला उबेर में चलते हैं। सर कौन सा पसंद है? उबेर। चलो सर उबेर में चलते हैं। ओला इंडिया का है, उबेर फॉरेन का है। सपोज मानो सर आपका एक उबेर का कार है, मतलब आप ओनर हो इसका, आप एक ड्राइवर रखे हो। आप मुझे बस इतना बता दो, ये जो उबेर है इसमें ये आपने अभी हाल ही में लिया, ठीक है, हाल ही में लिया मतलब जस्ट रिसेंट, ठीक है, रिसेंट परचेज है। उबेर में लाइसेंस लिया, उबेर में मतलब इसको रजिस्टर्ड किया और एक ड्राइवर रखा आपने, ड्राइवर रखा, ड्राइवर रख के आप गाड़ी को चला रहे हो। अब मुझे बताओ कि इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, प्लीज बताइएगा। उबेर का अगर आप एक उबेर का ओनर बनते हो तो आपका क्या वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा उबेर को टैकल करने में? एनीबडी प्लीज टेल मी। पेट्रोल। हाँ वेरी गुड सर, पेट्रोल का कॉस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, पेट्रोल का कॉस्ट, पेट्रोल वेरिएबल होगा बिकॉज रोज आपका गाड़ी कितना चलेगा इट्स डिपेंड, है ना, तो पेट्रोल का कॉस्ट वेरी करेगा, वेरी गुड। तो लेकिन क्या ये उबेर अगर आप फाइनेंस में लिए हो तो, फाइनेंस में लिए हो तो फिर फाइनेंस कॉस्ट जो है आपका, जो आपका ई एम आई है, क्या वो फिक्स रहेगा कि चेंज हो जाएगा? फिक्स रहेगा, वेरी गुड सर, ई एम आई कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा। तो शॉर्ट रन में कुछ चीज फिक्स रहता है, कुछ चीज वेरिएबल होता है, बट अगर मानो कि मोर देन फाइव ईयर्स हो गया, आपका ई एम आई कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं तब भी बोलूं कि आपका ई एम आई फिक्स है? क्योंकि अभी आपका ई एम आई है ही नहीं। तो इस गाड़ी को, ड्राइवर का जो सैलरी है, ड्राइवर का सैलरी क्या एक साल के अंदर तो फिक्स ही था, बट धीरे धीरे क्या ड्राइवर का सैलरी भी क्या कम रहेगा या ज्यादा हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा, तो टाइम टू टाइम आपका सैलरी भी इंक्रीज कर जाएगा, पेट्रोल का कॉस्ट तो वेरिएबल है ही, ठीक है, तो और ईएमआई भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका सारा का सारा खर्चा जो भी है, जो भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, आप इस उबेर को चला के जो भी प्रॉफिट करोगे सारा का सारा चेंज हो जाएगा सर, टाइम टू टाइम धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो एवरीथिंग कैन बी वेरिड, तो लॉन्ग रन में हर चीज वेरिएबल होता है और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज होता है, मतलब वही मतलब यही है, वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब एटलीस्ट दो फैक्टर फिक्स दो फैक्टर वेरिएबल, लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं, बस यही कुछ पॉइंट्स था। अब अगला कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको दो तीन पॉइंट बता दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सब कुछ चर्चा होगा, बस सर। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन में क्या क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट मतलब सिंपल है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गिवन वॉल्यूम अमाउंट, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, जैसे टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जितना आपका टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगा, जितना आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, चाहे आप एक उबेर का ओनर हो, चाहे आप एक फुचका दुकान का ओनर हो, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, उबेर ओनर फुचका ओनर सबके लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करोगे टोटल कॉस्ट मिलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट का अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं डेफिनेशन वाइज, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द फिगर गिवन बिलो, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, मैं नेक्स्ट दिन आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा, इवन एट जीरो आउटपुट फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, अगर आपके बिजनेस में कोई आउटपुट रहे ना रहे आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा इन द शॉर्ट रन, फॉर एग्जाम्पल रेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, जितना आपका बिजनेस का आउटपुट या प्रोडक्शन चेंज होगा उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, जस्ट लाइक ए उबेर, जितना चलेगा उतना पेट्रोल का खर्चा चेंज होगा, इन इट हैज इनवर्स शेप, एस शेप होता है, मैं आपको बताऊंगा इन द शॉर्ट रन ओरिजिन फिगर गिवन बिलो, मैं आपको एक बार बस दिखाता हूं, फिर नेक्स्ट दिन मैं आपको डेटा के साथ प्रेजेंट करूंगा। टीएफसी टीबीसी, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ऐसे ही नहीं ड्रॉ किया गया है, ये एकदम ये डेटा के थ्रू से किया गया है, ठीक है, कि टीएफसी कर्व ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है टीएफसी कर्व, ठीक है, टीएफसी ऐसा क्यों होता है, टोटल कॉस्ट ऐसा क्यों होता है, और वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट नीचे से शुरू होता है फिर ऐसा क्यों होता है, तो ये सारा का सारा नहीं रीजन मैं आपसे नेक्स्ट दिन बताता हूँ, नेक्स्ट दिन और भी काफी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके साथ मुझे डिस्कस करना है, ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है, फिर ये है, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफ है, बहुत सारा ग्राफ है, मैथ्स है, ठीक है, ग्राफ मैथ्स प्रेजेंटेशन डेटा बहुत चीज है, मैं आपको नेक्स्ट दिन बताता हूँ, यहाँ पर आपको मैं बाहुबली भी समझाऊंगा, महेंद्र बाहुबली, ये जो मूवी था ना, क्या नाम था मूवी का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो महेंद्र बाहुबली कौन सा मूवी का कैरेक्टर है सर, बाहुबली मूवी का नाम बाहुबली है सर, वही बाहुबली मूवी बताऊंगा, ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बाहुबली एक बहुत गजब का पॉइंट है, तो मैं आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में बाकी जो इसका और इनर पार्ट है मैं आपको उसमें समझाऊंगा, बस नेक्स्ट क्लास में ये खत्म भी हो जाएगा, बस ये था थ्योरी ऑफ कॉस्ट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई सवाल है तो कर लो, ठीक है, नेक्स्ट दिन और डीप डाइव होगा तो आपको और पता चलेगा, कोई क्वेश्चन है किसी के मन में रिगार्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट रिगार्डिंग छोड़ के कुछ और सवाल हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, लेकिन रिगार्डिंग टुडेज क्लास कुछ सवाल हो तो पूछ लो एक बार, नो डाउट सर, ओके ठीक है सर, तो फिर जिसके पास नोट्स नहीं है मैं शेयर करूंगा उनके साथ, ऐसे है सभी के पास, ठीक है, चलो बाय, फिर अगर सवाल नहीं है तो बाय, टाटा, बाय सर, बाय सर, टाटा टाटा।